Good evening, sir. My name is Rishita Jain from class 9A and I am going to make a physics activity project video on the topic three laws of motions. Firstly, taking example for Newton's first law of motion, which is any object wants to be at rest, motion or moving in the same direction until an external force is applied. So, for example, I am having this ball and this ball is at rest. अभी ये रेस्ट पे है और अगर मैं इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करूं तो ये कभी भी मूव नहीं करेगी खुद से और रेस्ट पे ही रहेगी. पर अगर इस बॉल को मैं मोशन में ले आऊं तो ये कुछ देर तो मूव करेगी फिर ये रुक जाएगी. ऐसा क्यों है? ये तो गलत बताता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को. ये इसलिए होता है क्योंकि बॉल पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करते हैं बॉल पे, इसलिए बॉल मोशन होने के बाद भी रेस्ट पे आ जाती है. पर अगर हम स्पेस में देखें तो देयर इज नो ग्रेविटी एंड नो फ्रिक्शन. तो अगर इस बॉल को मैं स्पेस में मारूं यहां वहां तो ये कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगी, मोशन में ही चलती रहेगी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कभी भी रेस्ट में नहीं आएगी अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो तो. Now, taking the example for Newton's second law of motion, which is the rate of change of momentum is equal to the net external force applied. इसका मतलब F equal to m v minus u by t. तो हमने देखा होगा क्रिकेट में जब क्रिकेटर्स बॉल कैच करते हैं तो वो अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हैं जिससे कि बॉल कैच करने का टाइम बढ़ जाता है. अगर क्रिकेटर्स डायरेक्ट यहीं से कैच करेंगे तो उनके हाथ को हर्ट हो सकता है और उनको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा. पर अगर वो थोड़े टाइम के बाद कैच करें तो उनका फोर्स भी कम लगेगा और उनके हाथ पे भी हर्ट नहीं होगा. नाउ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस बॉल एंड आई हिट दिस बॉल ऑन दी वॉल. So, what do we noticed that मैंने जब अपनी बॉल को वॉल पे मारा तो वॉल ने पुश किया बॉल को वापस मेरे पास. ऐसा क्यों हुआ? जिस फोर्स से मैंने बॉल को मारा वॉल पे उसी फोर्स से वॉल ने बॉल पे फोर्स लगाया. मतलब मैंने फोर्स लगाया था वॉल पे और वॉल ने फोर्स लगाया बॉल पे. मतलब जो अपोजिट जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है वो अपोजिट बॉडी पे होता है, एक बॉडी पे नहीं होता है. तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल था. दीज वर दी थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री लॉज ऑफ मोशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम.